घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियन की। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। आ जा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। चुलबुली लड़की का किरदार हो या मोहब्बत में डूबी माशूका, प्यार में हारी प्रेमिका हो या फिर अपनी उम्र के नौजवानों की माँ, किरदार चाहे कैसा भी हो, नरगिस अपनी बेजोड़ अदाकारी से उसमें जान डाल देती थी। किसी भी रोल को निभाने से पहले वो उसमें रम जाने की पूरी तैयारी कर लेती थी। हिंदी सिने जगत में जब भी सादगी और अदायगी के शानदार कॉम्बिनेशन की बात होती है तो बॉलीवुड की मदर इंडिया यानी नरगिस का नाम जरूर लिया जाता है। सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि नरगिस के आकर्षण का हर कोई दीवाना था। ना तो शोमैन राज कपूर उनकी खूबसूरती से बच सके और ना ही बॉलीवुड के पहले एंग्री यंग मैन सुनील दत्त। उस दौर में जितनी चर्चा नरगिस की एक्टिंग की होती थी उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनकी लव लाइफ को लेकर भी होती थी। तो चलिए शो को आगे बढ़ाने से पहले नरगिस के बचपन के बारे में कुछ जान लेते हैं। 6 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने वाली नरगिस ने इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था। उनकी माँ जद्दनबाई एक मुस्लिम थी और वो एक फेमस क्लासिकल सिंगर भी थी, जबकि उनके पिता मोहन बाबू रईस हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। मोहन के परिवार को उनका एक मुसलमान लड़की से शादी करना गवारा नहीं था, इसलिए उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद नरगिस के माता पिता कलकत्ता से बम्बई आ गए। यहाँ उनकी माँ जतनबाई की ठुमरी को खूब सराहा गया और वो देश की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर बनी। और इस तरह से नरगिस भी छोटी सी उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गई। 6 साल की उम्र में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तलाशे हक नाम की एक फिल्म में काम किया था। साल 1943 में उन्हें फिल्म डायरेक्टर महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया और इसके बाद नरगिस ने कभी मुड़कर नहीं देखा। अब बात नरगिस की पहली लव स्टोरी की। ये लव स्टोरी थी शोमैन राज कपूर और नरगिस की। बताया जाता है कि पहली मुलाकात में ही 16 साल की चुलबुली नरगिस को देखकर शादीशुदा होते हुए भी राज कपूर अपना दिल हार बैठे थे और उन्होंने 1948 में अपने प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म आग में उन्हें कास्ट कर लिया। राज कपूर तो नरगिस को पसंद करते ही थे। अब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उनकी हीरोइन नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी। इसके अगले ही साल इस जोड़ी की दूसरी फिल्म बरसात आई जो जबरदस्त हिट रही। फिल्म का टाइटल ट्रैक बरसात में हमसे मिले तुम सजन भी काफी पॉपुलर हुआ। इस फिल्म के साथ ही दोनों की रील और रियल लाइफ पर गॉसिप्स होने लगी। कहते हैं उसी साल नरगिस की माँ जद्दनबाई की मौत हो जाने से वो काफी टूट सी गई थी। तब कपूर साहब ने उन्हें संभाला और काफी इमोशनल सपोर्ट भी किया था। इसके बाद तो नरगिस राज साहब के प्यार में ऐसी गिरफ्तार हुई कि उससे निकलना नामुमकिन सा हो गया। राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, इसीलिए जीते जी नरगिस की मां ने और उनकी मौत के बाद में नरगिस के बड़े भाई अख्तर हुसैन ने भी इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन नरगिस ने किसी की ना सुनी। भाई की रोक टोक से बचने के लिए नरगिस ने उनका घर ही छोड़ दिया और अलग रहने लगी। नरगिस पूरे 9 साल तक राज कपूर के साथ प्यार की डोर में बधी रही। हिट जोड़ी ने एक साथ कुल 16 फिल्मों में साथ में काम किया। यहाँ तक कि आरके स्टूडियो का लोगो भी राज और नरगिस के प्यार की निशानी है, जो उनकी फिल्म बरसात के एक सुपरहिट सीन से लिया गया है। बताया जाता है कि नरगिस ने हर तरह से राज कपूर को सपोर्ट किया। एक रिपोर्ट की माने तो जब राज कपूर बड़े नुकसान से गुजर रहे थे और उन्हें आरके स्टूडियो बेचना पड़ रहा था, तब भी नरगिस ने उनका साथ दिया और स्टूडियो को बिकने से बचाया। नरगिस ने उस वक्त अपने सोने के कंगन बेचकर और दूसरे बैनर की फिल्मों में काम करके राज कपूर को आर्थिक संकट से उबरने में मदद की थी। इसके बाद से राज कपूर कहते थे कि मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, लेकिन मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। इसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया था जब नरगिस ने यह फैसला लिया कि वो सिर्फ आरके बैनर्स की फिल्में ही करेंगी। अब उनके इस फैसले से उनके भाई के साथ साथ कई बड़े निर्माता निर्देशक नाराज हो गए थे, लेकिन प्यार के रंग में डूबी नरगिस को उस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। वक्त आगे बढ़ा, नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर की ऐसी कोई मंशा नहीं थी।
चार बच्चों के पिता राज कपूर नरगिस को सालों तक शादी का दिलासा ही देते रहे। वो ना तो अपनी पत्नी कृष्णा को तलाक देना चाहते थे और ना ही नरगिस को छोड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि दोनों के रिश्ते में रहने के दौरान ही राज और कृष्णा के दो बच्चे और हो चुके थे और नरगिस एक सुखी गृहस्थी के लिए तरस रही थी। ऐसे में नरगिस को ये समझ आ गया था कि राज उनसे शादी नहीं करने वाले। अब नरगिस को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। कहते हैं इस समस्या का हल निकालने के लिए नरगिस उस वक्त बॉम्बे के सीएम रहे मुरारजी देसाई के पास पहुंची थी। देसाई उस वक्त हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने सीएम देसाई से पूछा कि क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे पहले से शादीशुदा इंसान दोबारा से शादी कर सके। ये बात सुनते ही देसाई ने उन्हें डांटा और कहा ऐसा सोचना भी गलत है। सीएम से मुलाकात के बाद भी नरगिस की समस्या का कोई हल नहीं निकला। उधर आरके बैनर में लगातार उनका काम कम होता जा रहा था। साल 1955 में आई फिल्म श्री 420 काफी हिट रही, लेकिन फिल्म में अपने छोटे से किरदार से नरगिस खुश नहीं थी। उन्हें अब ये लगने लगा था कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है और उनके करीबी भी ठीक कह रहे हैं। ऐसे में नरगिस अपने बड़े भाई अख्तर हुसैन के पास पहुंची और काम दिलवाने के लिए बोली। इसके बाद नरगिस ने वो किया जो उनका मन चाहता था। उन्होंने दूसरे बैनर्स की कुछ फिल्में साइन की और राज कपूर से पूछा तक नहीं। नरगिस के इस फैसले से राज साहब को बड़ा झटका लगा। उन्होंने इस बारे में नरगिस से बात भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मानो वो अब इस रिश्ते से आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। खैर, आखिरकार 1956 में आई फिल्म जागते रहो इस सुपरहिट जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कभी साथ नहीं काम किया। साथ ही उन्होंने राज कपूर और आरके स्टूडियो से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। अब बात नरगिस की दूसरी लव स्टोरी की, जिसकी शुरुआत हुई फिल्म मदर इंडिया के सेट से। इस फिल्म ने नरगिस की जिंदगी का हर वो सपना पूरा कर दिया था जो वो बरसों से देखती आई थी। फिल्म के बाद न सिर्फ नरगिस की ख्याति में चार चांद लगे, बल्कि वो हमसफर भी मिल गया जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। इस फिल्म में 28 साल की नरगिस ने अपनी ही उम्र के सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाया था। नरगिस तब तक एक चमकता सितारा बन चुकी थी, लेकिन सुनील दत्त तब सिर्फ एक स्ट्रगलर ही थे। लेकिन दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी सीन की तरह शुरू हुई थी। हुआ ये कि फिल्म के सेट पर भयानक आग का सीन फिल्माया जाना था। इसके लिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर हवा का रुख बदला और नरगिस चारों तरफ से आग की लपटों में घिर गई। अब आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि ना तो नरगिस को आग से निकलने का मौका मिला और ना ही कोई उन्हें आग से बचाने जाने की हिम्मत कर सका। तभी एक एक्शन हीरो की तरह बिना अपनी जान की परवाह किए सुनील दत्त आग में कूद पड़े और नरगिस को बचा कर ले आए। इस हादसे में दत्त साहब बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन अपने इस जाबाज कारनामे से उन्होंने नरगिस के दिल में अपने लिए जगह जरूर बना ली थी। सुनील दत्त तो पहले से ही नरगिस के दीवाने थे, अब नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे थे। लिहाजा एक दिन नरगिस को घर छोड़ने आए दत्त साहब ने अपनी फिएट कार में उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया और नरगिस ने भी हाँ कर दी। बस फिर क्या था, दोनों ने 11 मार्च 1958 को गुपचुप तरीके से शादी कर ली। प्रेमी जोड़े ने एक साल बाद ऑफिशियली अपनी शादी के बारे में दुनिया को बताया। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तब मदर इंडिया को रिलीज हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। पब्लिक के बीच इन दोनों की माँ बेटे वाली इमेज थी। दोनों की शादी की खबर से फिल्म को नुकसान हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी शादी को एक साल तक गुप्त रखा। वहीं जब इस शादी की खबर कपूर साहब तक पहुंची तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। बताया जाता है कि नरगिस की शादी की खबर सुनते ही राज कपूर ने खुद को सिगरेट के बद से जलाना शुरू कर दिया था। उन्हें ऐसा लगता था कहीं ये कोई सपना तो नहीं। अब जानकारों की माने तो नरगिस की शादी के बाद राज कपूर ने खुद को सिगरेट और शराब की लत लगा ली थी। अब भले ही राज कपूर नरगिस को ना भुला पाए हों, लेकिन नरगिस अब अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। इतनी खुश तो वो पहले कभी भी नहीं थी। बताया जाता है कि शादी के वक्त नरगिस अपने करियर के पीक पर थी, फिर भी उन्होंने खुशहाल घर गृहस्थी के लिए फिल्में करना छोड़ दिया, क्योंकि वो अपना सारा समय अपने पति और बच्चों को देना चाहती थी। फिल्में छोड़ चुकी नरगिस अब अपना सारा ध्यान अपने परिवार पर देती थी और जो कुछ समय बच जाता था तो उसे समाज सेवा में गुजार देती थी। बताया जाता है कि नरगिस के पिता डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ जद्दनबाई से शादी करने की वजह से उनका सपना अधूरा ही रह गया।
लिहाजा नरगिस ने अपने पिता के डॉक्टर बनने के सपने को अपना बना लिया, लेकिन वो भी फिल्मों में आने की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाई। अपनी जिंदगी की इसी कमी को पूरा करने के लिए वो अक्सर अस्पतालों में जाकर मरीजों की देखभाल करती थी और डॉक्टर से बातें किया करती थी। नरगिस कैंसर के मरीजों की खूब सेवा किया करती थी, लेकिन तकदीर का खेल तो देखिए, अचानक वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि हंसते खेलते खुशहाल दत्त परिवार को मानो किसी की नजर ही लग गई थी। जो नरगिस अस्पतालों में जाकर कैंसर के मरीजों की देखभाल करती थी, वो अब खुद कैंसर का शिकार हो चुकी थी। ये खबर दत्त परिवार के ऊपर पहाड़ बनकर टूटी। दत्त साहब नरगिस को इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले गए। एक समय ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और सुनील दत्त की दुआओं से वो 4 महीने बाद कोमा से बाहर आईं और भारत वापस आने की जिद करने लगी, क्योंकि उस वक्त उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी और नरगिस अपने लाडले को बड़े पर्दे पर देखना चाहती थी। लेकिन भारत लौटने के बाद एक बार फिर नरगिस की हालत बिगड़ी और उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस बार नरगिस को बचाया न जा सका। 3 मई 1981 को महज 51 साल की उम्र में नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जाता है कि नरगिस की मौत ने दत्त साहब को तो तोड़ कर रख दिया था। वो रातों को सोते तक नहीं थे, कई बार तो उठकर उसी कब्रिस्तान में चले जाते थे जहां नरगिस को दफनाया गया था और वहां बैठकर घंटों तक रोते थे। हालांकि गम के सागर में डूबे सुनील दत्त ने उनकी आखिरी इच्छा का मान रखा और बेटे की फिल्म रॉकी की रिलीज डेट नहीं डाली। नरगिस की मौत के ठीक 4 दिन बाद यानी 4 मई को संजय दत्त की फिल्म रॉकी रिलीज हुई। फिल्म के प्रीमियर के दौरान पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने दत्त परिवार का हौसला बढ़ाया और फिल्म को सराहा। भारी भीड़ के बावजूद सुनील दत्त और संजय दत्त के बीच एक सीट खाली रखी गई थी और वो सीट थी नरगिस के लिए। नरगिस की मौत के 1 साल बाद सुनील दत्त ने उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की। इसके बाद साल 1993 में फिल्म अभिनेत्री नरगिस के सम्मान में भारतीय डाक ने नरगिस की तस्वीर वाली 1 रुपए की डाक टिकट भी जारी की। आज भले ही नरगिस हमारे बीच में मौजूद ना हो, लेकिन उनके करिश्माई व्यक्तित्व और शानदार अभिनय को आज भी याद किया जाता है। नरगिस दत्त की जिंदगी बहुत बड़ी नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम से हिंदी सिनेमा जगत और सोसाइटी में ऐसी जगह बनाई कि अमर हो गई। आज भी उनका नाम एक चमकते सितारे की तरह कायम है।